स्टार्ट। अब्बा तब तक कलम कागज पर नहीं रखते जब तक कि डेडलाइन सिर पर ना आ जाए, फिर फिजूल कामों में अपने को उलझा लेते हैं। तो अब्बा को जब तक लास्ट टाइम नहीं आ जाते तब तक वो लिखते नहीं थे, यानी कि लास्ट डेट हो जाती कि अब तो जैसे आप लोगों को होमवर्क मिलता है तो जब तक लास्ट डेट नहीं आती तब तक आप लोग वर्क नहीं करते हो ना, खेल करते रहते हो कि हाँ कर लेंगे। वैसे भी उनके अब्बा भी ऐसे ही करते थे, जब तक लास्ट टाइम नहीं आ जाता था तब तक वो लोग वो अपने जो भी लिखना होता था वो नहीं लिखते थे। जैसे कि अपनी मेज की सभी दराजे वो इधर उधर के कामों में उलझे रहते थे, जैसे कि अपने मेज को साफ करते रहते थे, उनकी दराजों में से जो चीज़ें होती थी उन्हें निकाल कर साफ करके रखते थे, जिन बहुत सारे पत्र आते थे उन लोगों के पास तो पत्रों के जवाब देने में लग जाते थे। उधर ये सब करते हुए कहीं उनकी सोच जो लिखना है उसे भी चुपके चुपके लफ्ज़ों के सांचे में ढालते रहते थे, और इसके साथ साथ में वो सोचते रहते थे कि उनको क्या लिखना है। वो काम भी करते रहते थे अपना और साथ साथ में सोचते भी रहते थे। लफ्ज़ मतलब शब्द। फिर जब लिखना शुरू करते हैं तो भले घर में रेडियो बज रहा हो, बच्चे शोर मचा रहे हों, घर के लोग ताश खेल रहे हो, हंगामा हो रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि घर पर खामोशी का हुक्म हो गया कि अब्बा काम कर रहे हैं, लिखते वक्त उनकी स्टडी का दरवाज़ा भी खुला रहता। तो जब वो लिखने बैठते थे तो उन्हें कोई चाहे कितने ही शोर क्यों ना हो लेकिन उन्हें डिस्टर्ब नहीं होता था, वो अपने काम में लगे रहते थे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई खेल रहा है या कोई हल्ला मचा रहा है। वो कभी भी अपनी स्टडी रूम का दरवाज़ा बंद नहीं करते थे, कभी भी ऐसे सब लोगों को चुप नहीं करते थे कि वो अब लिखने जा रहे हैं इसलिए चुप हो जाइए। अब्बा को अच्छे खाने का बेहद शौक है और उन्हें पूरा यकीन है कि अच्छा खाना सिर्फ उत्तर प्रदेश का होता है। मम्मी उन्हें कभी हैदराबादी खाना नहीं खिला सकी। घर में जब हैदराबादी उनकी खट्टी दाल बनती है तो अब्बा के लिए अलग यूपी की दाल बनती है। टेबल पर खाना अपनी प्लेट में कभी खुद नहीं निकालेंगे, न बताएंगे कि उन्हें क्या चाहिए। अम्मी को जाने कैसे पता चल जाता है कि उन्हें प्लेट में क्या और कितना चाहिए। तो उनकी आदत थी, उन्हें खाने का बहुत शौक था और उत्तर प्रदेश का खाना उन्हें ज़्यादा पसंद था। तो घर में अगर कोई और खाना बनता था तो भी उनके लिए उत्तर प्रदेश की स्पेशल डिश बनती थी। वो कभी भी खाना भी अपने आप सर्व नहीं करते थे, अम्मी ही सर्व करती थी। अम्मी को ही पता था कि वो क्या खाने वाले हैं और कितना खाने वाले हैं। अब्बा सिर्फ तब खाने की मेज पर ये कहते हैं कि उन्हें और चाहिए जब मैंने कुछ अपने हाथ से पकाया हो, यानी जब शबाना जी खुद खाना बनाती थी अपने अब्बा के लिए तब उनके अब्बा और खाना मांगते थे। खाना पकाने का फन आज तक मुझे नहीं आया है। घर के बाकी लोग जहाँ तक हो सके मेरे बनाए पकवान से बच निकलने की कोशिश करते हैं, मगर अब्बा ऐसे मज़े लेकर खाते हैं जैसे अवध के किसी शाही खानसामी यानी शेफ कुक द्वारा पकाया गया बेहतरीन खाना हो। सच कहूँ तो उनका ये लाड हर बार मेरे दिल को अच्छा ही लगता है। जब शबाना जी खाना बनाती थी तो घर के बाकी लोगों को उनके हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं आता था, सब लोग भागते थे कि कहीं खाना नहीं पड़ जाए, लेकिन अब्बा एकदम मन से उस चीज़ को खाते थे और इतनी तारीफ करते थे दोबारा भी लेते थे। तो ये चीज़ उन्हें शबाना जी को हमेशा अच्छी लगती थी कि अब्बा उन्हें हमेशा अप्रिशिएट करते हैं या उनकी प्रशंसा करते हैं। बच्चों ये शब्दार्थ हैं इस चैप्टर के, समाती भीतर आती या उतरती, तजुर्बे अनुभव, दाखिला प्रवेश, तले नीचे, मुमकिन संभव, प्रशंसा तारीफ करना, अंदाज ढंग तरीका, फिजूल बेकार अन्यथा वरना, लफ्ज शब्द, फन कला हुनर योग्यता। इस चैप्टर में कुछ मुहावरे भी आए हैं बच्चों, जैसे पैरों तले से जमीन निकलना यानी कि घबरा जाना। जब वाइस प्रिंसिपल को पता चला था कि उनके अब्बा के बारे में, तो शबाना जी के पैरों तले से जमीन निकल गई थी। बाल बाल बचना यानी कि उन्हें ऐसा दुर्घटना पर या संकट से बचना है, तो उन्होंने ऐसा बहाना मारा कि वो बाल बाल बच गई। बाजी पलटना यानी कि हालात बदल जाना यानी सिचुएशन चेंज हो जाना। ओके बच्चों, ये था हमारा 7th चैप्टर अब्बा। थैंक यू।